जब हम एक भरे हुए ग्लास में जो पानी से भरा हुआ है उसमें इस तरह अगर पेंसिल रखते हैं तो वो पेंसिल हमको टूटी हुई नजर आती है। ये टूटी हुई नजर क्यों आती है? एक कमरा है जिसमें बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है। अब क्या होता है, चिंटू कमरे में दाखिल होता है। कमरे में कुर्सी रखी हुई है लेकिन चिंटू को वो कुर्सी नजर नहीं आती क्योंकि कमरे में पूरा अंधेरा है, डार्क रूम है। लेकिन जैसे ही चिंटू लाइट जलाता है तो उसको कुर्सी नजर आ जाती है। क्यों क्यों नजर आती है? आप इन सवाल के जवाब सोच कर रखिए। मैं भी आता हूं अपने कमरे की लाइट ऑन करके। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम सैयद रिजवान और आज हम देखेंगे हमारा छठा सबक एनिराफ-ए-नूर। उसमें हम देखेंगे लेक्चर वन, ये पहला लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे एनिराफ-ए-नूर के एनिराफ-ए-नूमा के कवानीन और दूसरा हम देखेंगे स्नेल का कानून और एनिराफ-ए-नूमा क्या है उसके बारे में हम आज यहाँ पर सीखेंगे। अगर कोई नए है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्ज कीजिए ये एक समंदर है, समंदर में एक तैराक है, ठीक है। अब ये तैराक जो है पानी के अंदर है, तैर रहा है। अब ऊपर जो है आसमान है, नीचे पानी है, ऊपर एक परिंदा फर्ज कीजिए उड़ रहा है। तो क्या ये परिंदा इस तैराक को नजर आएगा? बिल्कुल नजर आएगा, क्यों नहीं नजर आएगा? तो ये परिंदा उस तैराक को नजर आएगा। आप अगर पानी में है और अगर आप कोई ऊपर की शय देखते हैं तो वो आपको नजर आती है, ठीक है। तो ये परिंदा इस तैराक को परिंदा नजर आता है उड़ता हुआ। अब याद रखिए कि ये जो लाइन है जो मैंने बनाया है, येलो कलर की लाइन आपको दिख रही होगी, क्या परिंदा इसी सिमत में उसको नजर आएगा? तो इसका जवाब अभी आप देखते हैं, ठीक है। फर्ज कीजिए ये परिंदा जो है हवा में उड़ रहा है, क्योंकि ऊपरी हिस्सा जो है हवा है और नीचे का जो हिस्सा है वो पानी है जिसमें तैराक तैर रहा है। तो ये जो ऊपरी हिस्सा है इसको हम कहते हैं लतीफ वास्ता। जो हवा है, जहां पर हवा मौजूद है, इसे हम कहते हैं लतीफ वास्ता, और जो पानी है उसे हम कहते हैं कसीफ वास्ता। ये दो वास्ते हैं। और याद रखिए जब रोशनी की शुआएं एक वास्ते से दूसरे वास्ते में जब ट्रैवल करती है यानी दाखिल होती है तो वो अपनी सिमत तब्दील करती है। रोशनी की शुआएं रे ऑफ लाइट, यार रे ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं, रे ऑफ लाइट अगर एक वास्ते से दूसरे वास्ते में दाखिल होती है तो वो अपनी सिमत तब्दील करती है। अब जैसे मैंने पहले कहा था कि डार्क रूम है, ठीक है, उसमें आपको कुर्सी नजर नहीं आई चिंटू को। क्यों नजर नहीं आई? भाई वहां लाइट नहीं थी। तो वो क्या होता है कि जब कोई शय हमको नजर आती है तो इसका मतलब उस पर जो है वो लाइट पड़ती है, पड़ने के बाद उसका रिफ्लेक्शन होता है और वो हमारी आंखों तक आती है, और आंखों पे आने के बाद जो पीछे पर्दा है हमारी आंखों में, पर्दा शप किया, उस पर इमेज बनता है और ब्रेन को सिग्नल जाता है कि कोई चीज वहां पर रखी हुई है, वो इमेज ब्रेन पर जाती है। बात समझ में आ गई? इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि इमेज हमारे जो ब्रेन में जो फॉर्म होती है पर्दा शप किया पर, जो हमको सिग्नल देती है कि ये चीज यहां पर रखी हुई है, वो रोशनी की शुआओं से ही होता है। अगर रोशनी की शुआ या रोशनी नहीं है तो वो शय हमको नजर नहीं आएगी। लेकिन जब रोशनी की शुआ एक वास्ते से दूसरे वास्ते में जाती है तो वो अपना रास्ता तब्दील करती है। अब ये बर्ड है, ये तैराक जो है उस परिंदे को जो है देख रहा है। अब परिंदे से रोशनी की शुआएं जो है वो दाखिल हो रही है इस तरह, और उसका इनराफ होकर जो है वो तैराक की आंखों पर जाएगा। अब देखिए फिर क्या होगा, वो परिंदे का इमेज उसके आंखों से पीछे पर्दे शब्किया पर बनेगा, ब्रेन को सिग्नल जाएगा और फिर दिमाग सोचेगा कि वहां पर इमेज। अब देखिए दिमाग को ये तो नहीं मालूम कि रोशनी की शुआ जो है वो एक वास्ते से दूसरे वास्ते में जा रही, तब्दील कर रही है, ठीक है। तो ये जो है इनराफ हुआ, जब एक वास्ते से रोशनी की शुआ दूसरे वास्ते में जाती है तो उसका इनराफ होता है, ठीक है। अब ये परिंदा जो उड़ रहा है तो ये उसकी एक्चुअल पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है? ये एक्चुअल पोजीशन है, असल मुकाम जिसको कहेंगे हम, ये हकीकी मुकाम कह सकते हैं, ये हकीकी मुकाम है। लेकिन ये परिंदे का जो इमेज है वो उसको यहां पर नजर आएगा।
ये असल परिंदा उसको नजर नहीं आएगा बल्कि उसका इमेज नजर आएगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि तैराक जो देख रहा है वो उसका इमेज देख रहा है, उसकी तस्वीर देख रहा है। तो तस्वीर जो है वो थोड़ी सी हटकर बनती है, जहां पर वो परिंदा है उससे थोड़ी सी हट जाएगी और वहां पर हमको वो तस्वीर नजर आएगी और वही तस्वीर जो है दिमाग पे जाएगी, सिग्नल देगी और हमको मालूम पड़ेगा परिंदा वहां पर जो है वो उड़ रहा है। बात समझ में आ गई? तो ये जो है निराफ होने के बाद आंखों पर पड़ा, लेकिन परिंदे का इमेज हमको नजर आएगा। तो ये ओरिजिनल परिंदा है, इसका मुकाम है हकीकी मुकाम, इसे हम कहते हैं। और जो इमेज नजर आ रही है हम उसको कहते हैं मिजाजी मुकाम, उसे हम कहते हैं मिजाजी मुकाम। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा कि रोशनी की शुआ जब एक वास्ते से दूसरे वास्ते में जाती है, दाखिल होती है, तो उसका इनराफ होता है। इसी को हम कहते हैं इनराफ नुमा, है ना, ये इनराफ नूर, इसी को हम कहते हैं इनराफ नूर। जब नूर की शुआ एक वास्ते से निकलकर दूसरे वास्ते में दाखिल होती है तब उसकी सिमत तब्दील होती है और इसे कहते हैं इनराफ नूर। इंट्रोडक्शन समझ में आया कि इनराफ नूर क्या है? कोई भी वास्ते से जब रोशनी की शुआ दूसरे वास्ते में दाखिल होगी, ठीक है, चाहे वो लतीफ वास्ते से दाखिल हो, चाहे कसीब वास्ते से निकलकर लतीफ वास्ते में दाखिल हो, उसका इनराफ होगा। कहानी समझ में आई इनराफ नुमा क्या है? चलिए इसको और थोड़ा सा अच्छे समझ लेते हम। ये जो पेंसिल मैंने बताया था, अब ये पेंसिल यहां पर जो आपको टूटी हुई है, ये पेंसिल टूटी हुई है क्या? ये पेंसिल टूटी हुई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पेंसिल हमको ओरिजिनल नजर नहीं आ रही, थोड़ी सी हटकर नजर आ रही है, जैसे परिंदा नजर आ रहा था। बात समझ में आ गई? तो ये पेंसिल के अंदर, पानी के अंदर जो पेंसिल की इमेज हमको दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है? इमेज हमको दिखाई दे रही है। और वही इमेज जो है वो अक्स मुकाम से, हकीकी अक्स से, हकीकी मुकाम से थोड़ा हटकर मिजाजी मुकाम बनाती है, वही हमको नजर आता है। ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। तो ये चीज भाई, ये इनराफ हुआ क्यों, क्या जरूरत पड़ी इनराफ को, तो उसका आंसर अभी हम देखते हैं थोड़ा, ठीक है। देखिए, हवा जो है उसमें जो सालमात है वो थोड़े फैले हुए हैं, वो थोड़ा दूर दूर है। हवा में जो सालमात है वो थोड़े दूर दूर है और पानी में जो सालमात है वो थोड़े करीब करीब है। बात समझ में आ रही है? हवा के सालमात दूर दूर है, पानी के सालमात करीब करीब है। जब रोशनी की शुआ आती है, क्योंकि पानी के सालमात करीब करीब है, तो क्या होती है, जब वो कसीब वास्ते में दाखिल होती है तो उसकी रफ्तार कम हो जाती है। हवा में उसकी रफ्तार कुछ और थी, पानी में दाखिल हुई तो उसकी रफ्तार अलग हो गई। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि पानी के सालमात जो है वो एक दूसरे से करीब करीब है और जब करीब करीब सालमात से रोशनी की शुआ गुजरेगी तो जाहिर सी बात है उसमें इंटरप्शन पैदा होगा, वो उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो वो रुक की स्पीड कम हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी, उसकी रफ्तार जो है वो कम हो जाएगी, इसीलिए वो मुड़ जाती है, इसीलिए वो शुआ मुड़ जाती है। पानी के सालमात या कशिप वास्ता समझ लीजिए, कशिप वास्ते में जो सालमात है वो थोड़े करीब करीब होने की वजह से रोशनी की शुआ जो है वो इनराफ होता है उसमें, वो तब्दील अपनी सिम तो तब्दील करती है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ये आपके टेक्स्ट बुक में एक प्रैक्टिकल एक्चुअल में, तो उसमें जो जाविये जो बनते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा मालूमत ले लेते हैं। फर्ज कीजिए एक पेपर है, पेपर पे हमने लिया एक शीशे का मुस्ततील, शीशे का मुस्ततील, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस, इसको हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। समझ में आया इतना? ये मुस्ततील है। अब क्या होता है कि इसके बाहर जो है, जो ऊपरी सतह आपको नजर आ रही है, जो मुस्ततील जहां रखा हुआ है उसके आसपास वहां पर है हवा। क्या है? हवा। तो हवा को हम क्या कहेंगे? लतीफ वास्ता। ये आपने पहले भी अभी हमने पढ़े हैं। और जो शीशे का मुस्ततील है उसको हम कहेंगे कशिफ वास्ता, कसीफ वास्ता, ठीक है, लतीफ वास्ता, कसीफ वास्ता। अब आपको ये बात चीज पता है कि जब रोशनी की शुआ लतीफ वास्ते से गुजर कर कसीफ वास्ते में दाखिल होती है तो उसका इनहराफ होता है, ठीक है, उसका इनराफ होता है। तो फर्ज कीजिए एक रोशनी की शुआ इस तरह यहां से शीशे के मुस्ततील में दाखिल हो रही है। अब जहां से ये दाखिल होगी वहां से हम खींचते हैं एक उमूद, ये इसका नाम दे देते हैं हम ए बी, और यहां से खींचते हैं हम ये जो शुआ है, ये शुआ है शुआ वकू, इसको हम नाम शुआ वकू कहते हैं। क्या कहते हैं? शुआ वकू, वाके होने वाली शुआ। यहां से, जहां से ये शुआ जो है क्या कर रही है,
मुस्ततिल में यानी कसीफ वास्ते में दाखिल हो रही है, वहां पर हम खींचते हैं एक उमूद, सीधा खड़ा उमूद। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। देखिए अब जहां पर शुवाए वकू शीशे के मुस्ततिल से दाखिल होगी और जो उमूद है उनके नुक्ते तकातों को हम बोलते हैं एन। क्या लिखेंगे हम उसको? एन। ठीक है, ये नुक्ता वकू कहलाता है। क्या कहलाता है? नुक्ता वकू। इतना समझ में आ गया। अब होगा क्या कि शुवाए वकू से और उमूद से मिलकर एक जाविया बन रहा है, वो जाविया आपको वहां नजर आ रहा होगा, उसको जाविया आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। उर्दू में इसको कहते हैं जाविया वकू और इसको जाहिर करते हैं आय से। राइट, चलिए एक एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि जाविया किस तरह बनते हैं और उन्हें क्या नाम कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उनका नाम क्या। राइट, चलिए अब देखिए क्या होगा कि ये शुआए वकू जो ब्लू कलर में है वो उसका इनराफ होगा। अब वो शीशे के मुस्ततील में दाखिल होगी कुछ इस तरह। ठीक है, अब ये दाखिल हुई तो अब देखेंगे कि उमूद से और ये शुआए जो अंदर जो इनराफ हुआ उसका, ये शुआ को हम कहेंगे शुआए मुनरफा। क्या कहेंगे? शुआए मुनरफा, यानी इनराफ हुई शुआ, शुआए मुनरफा। तो इसको हम नाम देंगे इनराफ, शुआए मुनरफा। और नीचे एक जाविया बन रहा है, उस जाविया को हम नाम देंगे आर, और इस जाविये को कहते हैं जाविया मुनरफा। क्या कहते हैं? जाविया मुनरफा। ठीक है, अब एक चीज याद रखिए, जब भी एक वास्ते से रोशनी की शुआ निकलकर दूसरे वास्ते में दाखिल होगी हर वक्त उसका इनराफ होगा, हर वक्त उसका इनराफ होगा। अब ये कसीफ वास्ते से जो रेड कलर की शुआ है वो निकलकर लतीफ वास्ते में दाखिल होगी। तो यहां पर मैं एक उमूद खींच रहा हूं और उस उमूद को हम नाम देंगे, उस नुक्ता वक्कू को वहां पर नाम देंगे हम एम। ठीक है, और ये जो ऊपर आय वन बनाया मैंने, जैसे मैंने ऊपर बनाया था उसी तरह एक जाविया यहां पर आय वन, वो भी कहेगा जाविया वक्कू, क्योंकि ये वहां पर वाके हो रही है, अभी वहां से बाहर निकलेगी तो इनराफ होगा। तो ये जाविया वक्कू है, इसको हम आय वन नाम देते हैं। याद रखिए जाविया आर यानी जाविया मुनरफा और जाविया वकू आई वन हमेशा इक्वल रहेगा, तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू आई वन। आप बोलेंगे सर ये कैसे, ये कैसे इक्वल हुआ? ठीक है ना, तो आप गौर से देखेंगे तो दोनों जो उमूद है एक दूसरे के मुतवाजी है, और जो रेड शुआए मुनरफा है उनको काते कर रही है, कताए खत, काते खत जिसको हम कहते हैं। तो ये जो जाविये बन रहे हैं ये मुतबादला जाविये है। देखिए आर और आई वन को देखिए, मुतबादला जाविये है, जेड बन रहा है इस तरह, तो मुतबादला जाविया मसावी होते हैं, इसलिए R इज इक्वल टू आई वन। राइट, अब यहां से इस शुआ का जो है शुआए मुनरफा जब लतकसीफ वास्ते से बाहर निकलेंगी तो भी उसका क्या होगा? इनराफ होगा। तो देखिए इनराफ हुआ और वो रेड कलर की आ गई, और नीचे एक जाविया बना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंस, ई से इसको जाहिर करते हैं, और उर्दू में हम कहेंगे जाविया मुनरफा, वही जाविया मुनरफा। और याद रखिए ई और आई हमेशा इक्वल होगा, तो जाविया मुनरफा बराबर है जाविया वकू के, और ई इज इक्वल टू आई। ये चीजें आपको समझाती है, ये एक्चुअल में बच्चों एक प्रैक्टिकल है। क्या है? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल ये बहुत मजा आता है इसमें करने में, आपको इसमें कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि रोशनी की शुआ बाकायदा शीशे के मुस्तसिल से आती तो इनराफ होता है, फिर बाहर निकलती तो इनराफ होता है। ठीक है, देखिए जब PQ और SR मुतवाजी है, आपको नजर आ रहा होगा PQ SR मुतवाजी है, तो ये जब शुआए इसमें दाखिल होती है तो ये मुतवाजी होती है, यानी शुआ AB और शुआ CD ये मुतवाजी होगी। अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा, देखिए मुतवाजी है, ये हमेशा मुतवाजी होती है, यानी मुखालिफ सिमत होती है लेकिन मुतवाजी होती है, मुखालिफ सिमत है। ए पी क्यू के एक मुखालिफ सिमत है, SR इस मुखालिफ सिमत है, ये मुखालिफ सिमत है लेकिन एक दूसरे के मुतवाजी है। इस चीज को याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी। तो ये कुछ जाविये थे जो आपको बताना था, ये जाविया वकू जाविया मुनरफा ये इक्वल कब होते हैं, कैसे होते हैं, कौन से जाविये इक्वल होते हैं। राइट, चलिए ये आपको समझ में आ गया। इसी के ऊपर से हम देखेंगे इनराफ नुमा के कवानीन क्या बनते हैं, क्योंकि ये समझेगा तो आपको वो समझेगा। तो चलिए इनराफ नुमा के हम कवानीन यहां पर देख लेते हैं। इनराफ नुमा के कवानीन, वही फिगर हम लेंगे, शीशे का मुस्ततील, शीशे का मुस्ततील, इसमें हम शुआए वकू है हमको पता है, इसमें उमूद खींचे, उमूद का नाम दिया मैंने सीडी, उमूद का नाम दिया सीडी, ये शुआए वकू आपको जैसे पहले हमने फिगर में देखा है। राइट, अब क्या होगा,
ये निराफ होगा ना भाई इसका, ये जाविया आई यानी जाविया वकू, इसका निराफ होगा, ये नुक्ता एन यानी नुक्ता है वकू, और इसका निराफ होने के बाद ये अंदर आ जाएंगे। जैसी फिगर हमने पहले देखी है सेम टू सेम ये फिगर वही है, राइट। चलिए अब क्या होगा, अब हम कवानीन, हम यहां से इस फिगर से हम कवानीन को समझेंगे। पहला कवानीन, कानून मैं यहां पर लिखता हूं, देखिए शुआय मुनरफा शुआय वकू, जाविया मुनरफा जाविया वकू, ये तमाम चीजें हमने अभी पीछे देखी है, ठीक है। अब पहला कानून बनता है शुआय वकू शुआय मुनरफा नुक्ता वकू एन आपको नजर आ रहा होगा, पर उमूद सी डी के मुखालिफ जानिब है। अब आप गौर कीजिए तो आपको नजर आएगा, देखिए ये ए एन उमूद के अलग है उस जानिब है, और ये रेड कलर की शुआ है उमूद के इस जानिब है, तो ये शुआय वकू है ये शुआय मुनरफा है, दोनों कैसे है उमूद के मुखालिफ जानिब है, एक ही तरफ नहीं है, एक उधर है एक इधर है। बात समझ में आ गई, ये पहला कानून है, इसको बहुत सिंपल है, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। इनराफ इनवा के कानून बयान कीजिए, पहला कानून आप लिख सकते हैं शुआय वकू शुआय मुनरफा उमूद के मुखालिफ जानिब है। अब शुआय वकू शुआय मुनरफा एंड उमूद, तीन चीज शुआय वकू शुआय मुनरफा और उमूद, ये एक ही मुस्तवी में वाक्य है, नुक्ता वकू है ना वो आपको दिख रहा, एक ही मुस्तवी में वाक्य है। अब ये क्या है भला, फर्ज कीजिए मैंने एक पेपर लिया, पेपर पे शीशे का मुस्तसिल रखा, ठीक है, और इस तरह की फिगर बनाया, तो वो तमाम शुआय वकू में जब वो पेंसिल से बनाऊंगा वो भी पेपर पे रहेगी, मुस्ततिल भी कहां रखा है पेपर पे रखा है, उमूद भी कहां बनाऊंगा पेपर पे रखूंगा, मुनरफा शुआ बनाऊंगा पेपर पे बनाऊंगा, तो ये तीनों एक ही पेपर पे ना, इसे कहते हैं एक ही मुस्तवी में वाक्य, क्लियर हुआ। सेकंड अब जाते हैं, दिए हुए वास्तुओं की जोड़ी के लिए यहां हवा शीशे के लिए साइन आई, जो ऊपर का जाविया दिख रहा है ना आई ये, और नीचे का जाविया साइन आर, इसकी जो निस्बत होती है ना वो मुस्तकिल होती है, वो क्या होती है मुस्तकिल होती है। देखिए जैसे लिख रहा हूं मैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू मुस्तकिल, ये कीमत हमेशा मुस्तकिल होगी, आई एक जाविया है आर एक जाविया है, तो साइन उस जाविये की जो भी कीमत होगी, साइन आर उस जाविये की जो भी कीमत होगी, ये इनकी निस्बत मुस्तकिल होगी, उसको एन से जाहिर करते हैं, किससे जाहिर करते हैं एन से, कहानी समझ में आ रही है। और इसी निस्बत को हम कहते हैं स्नेल का कानून, क्या कहते हैं स्नेल का कानून, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, आई नो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन इतना याद रखिए आपको, क्योंकि इसका डीप जो है वो आपको बाद में पढ़ना है, ये बेस आपको ये सब चीजें आ गई अभी, तो आप आगे जाके इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। तो ये स्नेल का कानून है, स्नेल फ्लॉ इसको कहते हैं, राइट। इतना क्लियर हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं, वही फिगर हमारे पास आ गई। अब देखते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है, निराफ नुमा क्या है, ठीक है। ये फिगर है जाविया आए जाविया वकू शुआय वकू शुआय मुनरफा जाविया मुनरफा, तमाम चीजें आपके सामने है। अब ऊपर का जो हवा है वो एक वास्ता है, लतीफ वास्ता हम बोलते हैं, हम यहां पर वास्ता लेंगे, वास्ता वन शीशे को हम लेंगे वास्ता टू, क्या लेंगे वास्ता टू, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, शुआय वकू कहां पर है वास्ता वन में है, शुआय मुनरफा कहां है वास्ता टू में है, राइट। हुआ कि नहीं हुआ, शुआय वकू एक वास्ते में, शुआय मुनरफा दूसरे वास्ते में, जब शुआय वकू एक वास्ते से गुजरकर दूसरे वास्ते में जाती है, इनराफ होता है, हमने अभी तक पढ़ते आ रहे हैं इसको। फर्ज कीजिए जो शुआ वकू है उसकी रफ्तार है वी वन, उसकी रफ्तार है वी वन, और शुआय मुनरफा जो इनराफ हुआ है जो सिमत तब्दील की उसकी रफ्तार है वी टू। अब आपको मैंने पहले ही कहा था कि जब लतीफ वास्ते से कसीफ वास्ते में जाती है शुआ तो उसकी रफ्तार में कमी वाकई होती है, क्यों, क्योंकि यहां पर शीशे के जो मॉलिक्यूल्स है जो सालमात एक दूसरे के करीब है, हवा में सालमात खुले हुए हैं, तो वहां रफ्तार ज्यादा होगी, शीशे में जाएंगी तो रफ्तार कम हो जाएगी, तो यहां पर उसकी रफ्तार वी टू हम फर्ज कर लेते हैं। तो यहां पर इनराफ नुमा को बनाने के लिए एक जाप्ता बनता है, वो जाप्ता मैं यहां पर लिख रहा हूं इनराफ नुमा। अब देखिए जो टू एन वन है ना, इसको पढ़ते हैं पहले वास्ते से दूसरे वास्ते का इनराफ नुमा, क्या पढ़ते हैं पहले वास्ते से दूसरे वास्ते का इनराफ नुमा, उसको हम जाहिर करते हैं वी वन अपॉन वी टू, यानी पहले वास्ते में नूर की रफ्तार दूसरे वास्ते में नूर की रफ्तार। अगर दूसरे वास्ते से पहले वास्ते में अगर हम लेते हैं, आप फर्ज कीजिए ये शुआ बाहर निकल रही है और लतीफ वास्ते में जा रही है, तो ये इनराफ नुमा कैसे बनेगा, वो इस तरह बनेगा, इसी तरह दूसरे वास्ते इसकी बनिस्बत पहले वास्ते का इनराफ नुमा बनेगा वी टू अपॉन वी वन, एन वन और टू, ठीक है, ये दूसरे वास्ते से पहले वास्ते की बनिस्बत ये इनराफ नुमा, इसको कहते हैं हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, इसका यूज होगा आपको सवाल हल करने में, ओके। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया।
अब देखिए मुस्तखलिफ मुख्तलिफ वास्तों से जो शुआएं हैं वो जाती है तो वो किस तरह वहां पर उसका इनराफ होता है वो हम यहां पर पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में ये आ सकती है। तो ये किस तरह के एग्जाम में आएगी मैं आपको जरा बताता हूं। पहले हम इसको समझ लेते हैं। फर्ज कीजिए शीशे का मुस्ततील है, यही अभी हमारा चलते आ रहा है कब से। अब क्या होगा, इस शीशे के मुस्ततील में हम एक खींचते उमूद लेते हैं शुआए वकू, है ना, ये लतीफ वास्ता, शीशे का मुस्ततील कसीफ वास्ता, ये आपको पता है, ये शुआए वकू आई, इतनी चीजें हम अभी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ये शुआए वकू क्या होगा, इसका इनराफ होगा, ये अंदर जाएगी। अब फर्क बताइए मुझे क्या हुआ। देखिए जब भी कभी भी रोशनी की शुआएं जब लतीफ वास्ते से कसीफ वास्ते में दाखिल होगी तो उमूद की जानिब झुक जाएगी, उसका रिफ्लेक्शन ऐसा उल्टा नहीं होगा, अंदर होगा, उमूद की जानिब होगा, तो उमूद की जानिब झुक जाएगी। अगर आपको एग्जाम में ऐसी फिगर आती है और बोलता है इसकी वजाहत कीजिए, तो आपको क्या लिखना है, आपको यह लिखना है, जब नूर की शुआएं लतीफ वास्ते से कसीफ वास्ते में दाखिल होती है तो उमूद की जानिब झुक जाती है ना, सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट इसी को लेते हैं, फिर मुस्ततील है, इस पे हम नीचे उमूद लतीफ वास्ता कसीफ वास्ता उमूद ले लिए हमने, राइट। अब क्या होगा, अब रोशनी की शुआ जो है यहां से निकलेगी कसीफ वास्ते से लतीफ वास्ते, अभी हमने कसीफ लतीफ से कसीफ देखा, अब कसीफ वास्ते से लतीफ वास्ते में, वास्ता वन टू से वास्ता वन, ठीक है, यहां से निकलेगी। क्या फर्क है बताइए, अब आप आसानी से लिख सकते हो, अब आप इसको आसानी से लिख सकते हो, जैसे उस तरफ लिख, इस तरफ क्या होगा, तो यस इसको लिख सकते हैं हम, जब नूर की शुआएं कसीफ वास्ते से लतीफ वास्ते में दाखिल होती है तो उमूद से परे हट जाती है। देखिए उमूद से दूर हो गई, उमूद से परे हट जाती है, दो मार्क्स हो गए। थर्ड मार्क्स, यही फिगर है, यही उमूद है, ठीक है, अब उमूद है, अब रोशनी की शुआ जो है ये उमूदन दाखिल हो रही है सीधी, इसमें कोई इनराफ नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे हम, जब नूर की शुआएं एक वास्ते से दूसरे वास्ते में दाखिल होती है, उमूदन दाखिल होती है, कैसी, सीधी, तो उसमें इनराफ नहीं होगा, राइट। आप पहला प्रैक्टिकल जो है, ग्लास में पानी लीजिए, पेंसिल को सीधा डालिए, आपको टूटी हुई नजर नहीं आएगी, लेकिन आप टेढ़ी पेंसिल डालोगे आपको वो टूटी हुई नजर आएगी। तो जब रोशनी की शुआ उमूदन दाखिल होती है तो इनराफ नहीं होता है, लेकिन रोशनी की शुआ जब किसी एंगल से दाखिल होती है, किसी जाविया बनाते हुए दाखिल होती है, तो उसका इनराफ होता है। तो ये तीन चीजें हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी थी, तीन फिगर दी जाएंगी, तीन मास के लिए आपको नीचे के जो जुमले है वो लिखना है, इसकी वजाहत यही है। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये वीडियो हमारा यहीं तक था स्टूडेंट, और उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो यार, थैंक यू।